दोस्तों फाइनली वलीद भाई और मामू जान आए हो यार, कोई खतरनाक की कोई चीजें तो नजर नहीं आई ना। ये अगर आपको टांग मारती ना आसमान में चले जाते हैं। टांग ऊपर होती मैं नीचे होता यार। ऐसे अभी अभी ताहिर मामू को ना ये टांग मारने लगी थी। वलीद भाई ये भी आपको रख लेना। वलीद भाई आप लोगों का क्या फैसला है कि क्या चीज चाहिए अब आप? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दोस्तों आज मेरे पास वलीद भाई आ रहे हैं, वलीद भाई की आने की खुशी में, और उनके साथ मामू भी आ रहे हैं। उनकी आने की खुशी में हमने एक पूरा बकरा ज़िबा करा दिया है सिर्फ उनकी खुशी में। ठीक है, चले आपको दिखाते हैं जाके। दोस्तों ये बकरा है, ये सिर्फ वलीद भाई की आने की खुशी में हमने पूरा ज़िबा कर दिया है। ठीक है, वो बस थोड़ी देर में हमारे पास पहुंचने वाले हैं, फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपके साथ करेंगे और हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहें। ठीक हो गया चाचा बोटू, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ भाई, बकरा तैयार कर लिए? जल्दी से करें, मेहमान आने वाले हैं। मंगाओ। ये देखिए ये कार्ड के अंदर रख दिए, बाकी अंकल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वो भी रेडी हो जाएगा बहुत जल्दी। दोस्तों हम पहुंचे हैं इस टाइम फार्म पे, वलीद भाई औरों के लिए हमने लेनी है एक कोई देसी सी मुर्गी। ये सारे देसी हैं, फार्मिनी है साथ मेरे तलब भाई। तलब भाई इधर देखें जी। सर भाई चाचा जी, 1 किलो का कोई पकड़ लो, बल्कि कोई अच्छा जी मुर्गा पकड़ लो। ये हम वलीद भाइयों के लिए ले रहे हैं। ठीक है, कोई अच्छा सा दाना यहाँ से देख के ना, अच्छा जिसका गोश्त अच्छा निकले तो वो हम पकड़ लेंगे। ये सारे फार्म में हैं, तो जनाब देख सकते हैं आप, देसी हैं, सारे देसी हैं। अच्छा पकड़। अंकल से ना मुर्गा नहीं पकड़ा जा रहा। ओ पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अभी यहाँ से हम मुर्गा लेके इसे ज़िबा करा के फिर हम तैयार करवाते हैं, उसके बाद वलीद भाई वगैरह और मामू आ जाएंगे, तो फिर गपशप होगी इंशाल्लाह। आपको मिलते हैं, वीडियो के साथ साथ रहना है। ओके हो गया, ये हम वज़न करा रहे हैं इनका। ठीक है, क्या कितना वज़न बनता है? दोस्तों ये हमने मुर्गा ले लिया है फार्म से। पहले मेरे कज़न ये मुर्गी ले के आए, ये अंडे देने वाली थी। मैंने कहा यार ये ना लेके आओ, ये अंडे दे रही है, तो हम यहाँ से फार्म से ये मुर्गा ले लेते हैं। ये मुर्गा मैंने ले लिया है, तो तलब भाई भी साथ हैं। साद भाई आप आ रहे हैं ना? चले आ जाएगा। ठीक है, ये जाके करवाते हैं ज़िबा। दोस्तों मुर्गी हमने ज़िबा करा ली है और बकरा भी ज़िबा करा के वो अब पकने के लिए तैयार है, और उसके बाद अब हम वेट में बैठे हैं वलीद भाई और उनके मामू। अभी हमारी बात हुई है, हमारा गांव है विलेज में, वो शहर में रहते हैं, तकरीबन हमारे पास आधे घंटे में पहुँच आएंगे। आपको मिलाते हैं और मज़ा आने वाला है, यकीन करें। वलीद भाई एक अच्छे इंसान है, और जो उनके मामू हैं और वो तो बड़े ग्रेट इंसान हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ। बाकी हमारी वीडियो में रहना है आप लोगों ने, बस थोड़ी देर में हमारे पास वो पहुँचने वाले। दोस्तों फाइनली वलीद भाई और मामू जान पहुँच आए हैं हमारे डेरे पे। भाई कब का आपका इंतज़ार कर रहे थे? आ गए ना? हाँ आ गए हैं आप। और मामू कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मामू कैसे लगा है सफर हमारे इलाके का? शुक्र है बिल्कुल बेहतरीन है यार, आपका इलाका तो बहुत प्यारा है, मैंने अच्छा। रास्ते में देखते आए हो यार, कोई खतरनाक की कोई चीजें तो नजर नहीं आई ना आपको? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नजर नहीं है, बहुत मजा आया यार, मैं तो एंजॉय करते आया हूँ ना। ठीक हो गया। वलीद भाई आप सुनाए। बस मामू ने रास्ते में माल्टे चोरी किए हैं यार। ओए फिर तो चोर को यहाँ इसी देर में पकड़ा जाता है। मैंने माल्टे देखे बड़े मत पसंद आए। अच्छा वो लड़का पार गया यार मुझे, यार लड़का मारने लग गया मुझे, मारने लग गया। हाँ मैं माल्टे लेके आ गया। तो उसने बगैर पूछे तोड़ दिया। अच्छा किया ना, वो बगैर पूछे है वलीद भाई। ठीक है, और रास्ता ठीक गुजरा है ना आपका? जबरदस्त। ठीक हो गया मामू आपका? मैं तो बेहतरीन, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ ना। अच्छा चलिए एंजॉय करते रहेंगे इंशाल्लाह। वलीद भाई ले यार, ये मामू जी खाएं। आए ना आप भी, आए ना साथ। हम भी खा लेते हैं। ये हमने ताजा उतार के रखे मामू के लिए, चोरी नहीं की है। मैंने एक माल्टा चोरी किया था इसलिए ना। लो मैं ले रहा हूँ यार। तो दोस्तों वलीद भाई ने खाना वगैरह खा लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने डेरे पर, गाड़ी रेडी कर ली है, उनको दिखाने हैं घोड़े, उन्होंने लेने हैं घोड़े, हमारे पास खड़े हैं जनाब, उनको जाके देते हैं, पहले दिखाते हैं अगर उनको समझ आता है तो। ये जी गाड़ी रेडी खड़ी है, तो वलीद भाई वो सामने बैठे हैं, वो हमारे बुज़ुर्गों से बातें कर रहे हैं, अब हम जाने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं जाके।
मामू लोग मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, हम गाड़ी पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फार्म पे घोड़े देखने। वलीद भाई को हम इंशाल्लाह घोड़ा देंगे और जरूर देंगे। भाई किधर जा रहे हैं वलीद भाई? हम यार हॉर्स बेबी लेने। अच्छा हाँ। अब हम जाने लगे हैं फार्म पे। मेरे साथ शामीर, छोटा भतीजा मार लियाकत साहब और साथ मामू हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम वलीद भाई को छोटा हॉर्स लेके देंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली वलीद भाई को हम अपने फार्म पे लेके आ गए हैं। वलीद भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घोड़ा मर्जी देख। मामू जी बड़ा फार्म है यार। हाँ बड़ा क्यों नहीं होगा, सारे हॉर्स खड़े हुए हैं। हाँ ये सब वलीद भाई के लिए खड़ाए हुए हैं। देख ले आप जो दिल करे आपका है। दोस्तों हम दूसरे फार्म पे पहुंचे हैं, वलीद भाई भी हमारे साथ हैं और ये बहुत खूबसूरत नील गाय खड़ी है और ये नन्हे नन्हे बच्चे खड़े हैं। इंशाल्लाह ये नन्हे बच्चे हम लेंगे इंशाल्लाह। मामू भी आ रहे हैं। क्या देखा यार आपने? ये नील नील गाय के बच्चे, ये तो बहुत प्यारे हैं यार। प्यारे तो हैं यार। हमजा भाई आपने तो हर चीज रखी हुई है यार। क्यों नहीं? हां बिल्कुल। तो इनमें से हम कौन सा ले लें? तो प्यारे सारे हैं। 1 2 3 है पड़ेगा। हां मामू ये वाइट वाला कुछ समझ आ रहा है यार? मुझे रेड कलर पसंद है, मैं रेड लूंगा यार। दोस्तों ये वलीद भाई अपने लोग के लिए वीडियोस भी बना रहे हैं तो ये घोड़े इंशाल्लाह इनको लेके देंगे। आपने बताना है वाइट या रेड कमेंट्स में, फिर हम फैसला करेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं, ये भी बड़े तेज है। मामू कह रहा है रेड, मैं कह रहा हूँ वाइट। मामू जी ये अगर आपको टांग मारती ना आसमान पे चले जाते हैं। टांग ऊपर होती, मैं नीचे होता यार। ऐसे अभी अभी ताहिर मामू को ना ये टांग मारने लगी थी तो ताहिर मामू बच गए। कैसे और तो दिखाओ, और होस्ट तो दिखाओ। ये सारे आपके लिए सारे घोड़े घोड़े खड़े हैं यार। आप इधर देखने आए, हम इधर दिखाओ यार। हमें पसंद है? हां पसंद है, रेड वाला पसंद है यार। अच्छा कमेंट्स में रेड कहना, रेड। हां हां मैं भी रेड के साथ हूं। आप रेड के साथ जो मामू कहेंगे हम वही कहेंगे। रेड वलीद वाइट कह रहे ना, हम रेड करेंगे। रेड है, रेड है, रेड। दोस्तों ये वाले वाइट है और ये रेड है। ठीक है, जो वलीद भाई को पसंद आएंगे हम वही लेके जाएंगे। ठीक हो गया, वलीद भाई को वही देंगे। ये देख सकते हैं आप, वो रेड है और ये वाइट है और बाकी भी खड़े हैं हमारे पास सामने, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों सुबह से बहस हो रही है। मामू कह रहे हैं कि रेड वाले लेने और वलीद भाई कह रहे हैं कि वाइट लेने। मैं कह रहा हूँ कि रेड ठीक है। तो दोस्तों घोड़े सारे दिखा दिए हैं वलीद भाई को, वो कह रहे हैं कि वाइट होना चाहिए, तो मामू कह रहे हैं रेड होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार छोटा ही ठीक है, ये आपसे संभाल नहीं जाएगा। तो अब उनका जहन बन रहा है कि छोटा ही ले। अभी और घोड़े भी देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। मामू हम आपको अब और जंगली चीजें दिखाने वाले हैं। हाँ और आप क्या दिखा रहे हो यार? आए, आए, आपको यार आपके घोड़े ने मुझे बड़ी टांग मारी है यार, मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। घोड़े ने घोड़े को टांग मार दी। मुझे तो ना कहो यार, आपका मामू यार को ख्याल करो यार। चले चले यार कोई नहीं, ये तो फिर टांगे शांगे लगती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये है जी नील गाय। ये बड़ी नायाब है, ये बड़ी नायाब है। इतनी तेज दफा मैंने देखी है। प्लीज भाई ये भी आपको रख लेना चाहिए। हाँ ये भी होनी चाहिए। प्लीज भाई आप लोगों का क्या फैसला है, क्या चीज चाहिए अब आपको? यार फैसला हमने ऑडियंस पे डाल दिया है। अच्छा मामू आप बताएं। रेड रेड हो, सारे ऑडियंस मेरा नाम कहेंगे रेड रेड। चलो भाई मामू के साथ हो, वलीद भाई के साथ। हाँ हमजा भाई वाइट के साथ है। भाई मैं मामू के साथ हूँ, रेड रेड मुझे बहुत पसंद है। लग गए ठीक है ना, कल देखो किसके ज्यादा क्लिप आते हैं। किसके ज्यादा ठीक हो गया। मैं वलीद भाई के साथ हूँ। नहीं मैं भाई मामू के साथ हूँ। भाई डन हो गया, मामू आपके साथ है। हम इसे पिज्जा जीतेंगे, पिज्जा ठीक है ना। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये सारा फार्म हमने फिराया है भाई वलीद को और ताहिर मामू को। ठीक है, उनको जो पसंद आएगा जो कहेंगे हम वही कर लेंगे। तो को हर चीज़ दिखा दी है, घोड़े भी बच्चे भी दिखा दिए और बड़े घोड़े भी दिखा दिए। बाकी वो कह रहे हैं कि जैसे ऑडियंस कहेगी तो हम वैसे कहेंगे। ठीक, तो वलीद भाई आप लोगों ने सारा ऑडियंस भी डाल दिया है, जो वो कहेंगे आप वही लेंगे। ठीक है ऐसे ही ना। मैं कहता हूँ रेड ठीक है और ले बड़ा, क्योंकि ये जो भाई आप क्या कहते हो रेड ठीक है, सॉरी छोटा ले छोटा, क्योंकि वो जो छोटा है ना वो आप संभाल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही तो मसला है, लेकिन लेना रेड है। हम लेंगे रेड। वलीद भाई भी आ गए, वो भी अभी भी कह रहे हैं कि ऑडियंस जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। ठीक हो गया, बाकी चले वो कर लेते हैं फिर। बाकी वीडियो करते हैं यही एंड, इंशाल्लाह हर व्लॉग के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया मेरी जान की टोटो। बाय बाय।